मोदी जी का कहना है सबको घर में रहना है, मोदी जी का कहना है सबको घर में रहना है, भाई हो या बहना है सबको घर में रहना है, भाई हो या बहना है सबको घर में रहना है, हाथ जोड़ कर कहना है सबको घर में रहना है, हाथ जोड़ कर कहना है सबको घर में रहना है। क्यों? कि इस समय पूरा विश्व, बल्कि भारत ही नहीं पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है कोरोना नामक महामारी से। इसलिए कोरोना वायरस आया है इसका कोई इलाज नहीं, कोरोना वायरस आया है इसका कोई इलाज नहीं, जीवन अगर बचाना है मनमानी करना आज नहीं, ना मोह माया में बहना है सबको घर में रहना है, ना मोह माया में बहना है सबको घर में रहना है, मोदी जी का कहना है हर योगी जी का कहना है सबको घर में रहना है, मोह माया में ना बहना है सबको घर में रहना है। और एक संदेश, आप जानते हैं इतना खतरनाक वायरस जिससे 1000 की संख्या मेरे भारत में भी क्रॉस हो चुकी, प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इतनी जोर से लगे हैं देश हित में जन सुरक्षा के लिए, फिर भी हमारी थोड़ी सी लापरवाही आज 1000 की संख्या पहुंचा दी। इसलिए जरा ध्यान से सुनेंगे, अगर बात ना मानी तो बड़ी तबाही आएगी, अगर बात ना मानी तो बड़ी तबाही आएगी, एक हमारी गलती से जान हजारों जाएगी, एक हमारी गलती से जान हजारों जाएगी, इसलिए हाथ जोड़ कर कहना है सबको घर में रहना है, हाथ जोड़ कर कहना है सबको घर में रहना है, अरे मोदी जी का कहना अरे योगी जी का कहना, अरे भाई चाहे बहना है सबको घर में रहना है, भाई चाहे बहना है सबको घर में रहना है, मोदी जी का कहना है सबको घर में रहना है, मोदी जी का कहना है सबको घर में रहना है। ये निवेदन मैं, मेरा भतीजा गणेश, छोटा भतीजा कान्हा और छोटी भतीजी वैष्णो, सभी के साथ छोटे छोटे बच्चे संदेश दे रहे हैं। आप सभी देशवासियों से अपील है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, विनती है, आग्रह है, गुजारिश है कि जब तक भारत पूरा लॉकडाउन है, माननीय प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बाबा योगी आदित्यनाथ जी के कहने को, जो उनका तात्पर्य है, जो उनका लक्ष्य है कि हम सभी इस महामारी से बचें, उनकी बात को माने, प्रशासन का सहयोग दें, सभी सिर्फ अपने घरों में रहें, सबके खाने पीने की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री राम।